हेलो फ्रेंड्स, ट्रांजेक्शन में आपके एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं नरेंद्र आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और एक खास खबर जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के रियल एक्शन हीरो यानी कि भाई गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी कि भाई मोहरा कुमार, अक्षय कुमार से। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि इन दिनों अक्षय कुमार अपनी आने वाली मोस्ट अवेटेड फिल्म यानी कि सूर्यवंशी को लेकर काफी चर्चाओं में है जो कि इसी महीने बॉक्स ऑफिस पर एंट्री मारने वाली है। तो भैया इस फिल्म में एक बार फिर से अक्षय कुमार पुलिस की वर्दी पहनेंगे यानी कि इस फिल्म में पुलिस वाले के किरदार को निभाते नजर आएंगे। तो भाई आज हम अक्षय कुमार की एक ऐसी फिल्म के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं जिसमें पहली बार अक्षय कुमार पुलिस की वर्दी पहनते जिसमें पहली बार अक्षय कुमार ने पुलिस वाले के किरदार को निभाया था। क्या आपको उस फिल्म का नाम पता है? अगर आपको पता है तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें शुरू शुरू में ही बता दीजिएगा। और अगर आपको नहीं मालूम है तो चलिए मैं उस फिल्म की पूरी राम कहानी आप लोगों के सामने रखता हूं कि उस फिल्म का बजट क्या था, कितना कलेक्शन हुआ था, कौन कौन से किरदार उस फिल्म में नजर आए थे, उस फिल्म का परफॉर्मेंस बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा था। तो दोस्तों आपको मैं बताऊं कि अब तक अक्षय कुमार ने 5 बार पुलिस वाले के किरदार को निभाया है बॉक्स ऑफिस पर, यानी कि उन्होंने 5 बार पुलिस की वर्दी बॉक्स ऑफिस पर पहनी है और 5ों बार उन्होंने अपना जलवा दिखाया है बॉक्स ऑफिस में। तो भैया अब ये 6ठी बार होगा जब अक्षय कुमार बॉक्स ऑफिस पर पुलिस वाले के किरदार में नजर आएंगे, यानी कि भैया सूर्यवंशी में वो पुलिस के ही किरदार में नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों जब पहली बार अक्षय कुमार ने पुलिस की वर्दी पहनी थी तो वो फिल्म थी राजीव राय के डायरेक्शन में बनी फिल्म मोहरा, जो कि बॉक्स ऑफिस पर आई थी 1 जुलाई 1994 को और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था त्रिमूर्ति फिल्म्स ने जो कि राजीव राय का ही प्रोडक्शन हाउस था। तो भाई इस फिल्म का जो टोटल बजट था वो था 3 करोड़ 25 लाख रुपए और इस फिल्म ने जो इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन किया था वो था 16 करोड़ 22 लाख रुपए का और इस फिल्म का जो ओवरसीज में कलेक्शन था वो था 6 करोड़ 43 लाख रुपए, यानी कि वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था तो वो था 22 करोड़ 65 लाख रुपए और उस समय इस फिल्म ने पहले दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था तो वो था 60 लाख रुपए और इस फिल्म ने पहले वीकेंड में ही लगभग अपना पूरा बजट निकाल लिया था, यानी कि 3 करोड़ 75 लाख रुपए का बिजनेस इस फिल्म ने पहले वीक में ही कर लिया था, यानी कि इतनी जबरदस्त फिल्म थी ये कि भैया इसका क्रेज लोगों के सर चढ़कर बोल रहा था और इस फिल्म के जितने भी गाने थे भैया सब ब्लॉकबस्टर हिट गाने थे और आज भी उन गानों को अगर आप सुनोगे तो वो गाने आज भी भारी पड़ते हैं नए गानों के ऊपर में, यानी कि यार उस फिल्म के चाहे मैं सैड गाने की बात करूं, चाहे मैं आइटम सॉन्ग की बात करूं, चाहे मैं उस फिल्म का एक ऐसा हॉट सॉन्ग था जो कि सूर्यवंशी में इस्तेमाल किया जा रहा उसकी मैं बात करूं, सारे के सारे गाने जो थे भैया वो कई साल तक लगातार लोगों के दिमाग में अपना जो कहते हैं ना कि एक प्रभुत्व बनाए रखे थे, मतलब वो गाने आज भी कहीं बजते हैं तो लोग उसको फॉरवर्ड नहीं करते हैं, उसको बैठकर सुनते हैं, यानी कि भैया इस फिल्म के सारे गाने सुपरहिट। और क्यों? तो भाई इस फिल्म की कहानी भी बहुत जबरदस्त थी। भाई मैं एक बात बताऊं कि भैया मैं राजीव राय का बहुत बड़ा फैन था एक जमाने में, मतलब कि भैया मल्टी स्टारर मूवी अगर बनाने का मद्दा सुभाष घई के बाद में अगर बॉलीवुड में कोई रखता था तो वो राजीव राय रखते थे, यानी कि उनकी फिल्में जब बॉक्स ऑफिस पर आती तो भैया फाड़ डालती थी, मतलब कई सारे रिकॉर्ड टूट जाते थे, उनकी फिल्म इतनी जबरदस्त होती थी। तो भाई राजीव राय ने इस फिल्म में भी अपना जलवा दिखाया था त्रिमूर्ति विश्वात्मा की तरह, मतलब कि भैया विश्वात्मा भी उनकी बहुत बड़ी हिट फिल्म थी, त्रिमूर्ति भी उनकी बहुत बड़ी हिट फिल्म थी और ये फिल्म यानी कि भैया मोहरा ने तो रिकॉर्ड ही बना दिया था, यानी कि उस साल की सेकंड हाईएस्ट बिजनेस करने वाली फिल्म थी ये उस साल की, मतलब इतनी बड़ी फिल्म। और इस फिल्म में अक्षय कुमार ने जो किरदार निभाया था वो लोगों के दिल को छू गया था और उसके बाद अक्षय कुमार ने उसके बाद जो रेस लगाई थी बॉलीवुड में वो आज तक कायम है। चलिए मैं आपको बताता हूं इस फिल्म में कौन कौन से किरदार नजर आए थे। तो भैया इस फिल्म में अक्षय कुमार इंस्पेक्टर अमर सक्सेना का किरदार निभा रहे थे और वहीं सुनील शेट्टी इस फिल्म में विशाल अग्निहोत्री के किरदार में नजर आ रहे थे और इन दोनों के अपोजिट नजर आई थी रवीना टंडन जो कि रोमा सिंह के किरदार में थी, जो कि एक जर्नलिस्ट का रोल इस फिल्म में प्ले कर रही थी। इस फिल्म के जो मेन विलेन थे वो भैया एक ऐसे किरदार थे जो कि पूरे फिल्म में स्टार्ट टू एंड तक किसी को समझ में नहीं आता है कि यही बंदा
मेन विलेन है, यानी कि भैया नसरुद्दीन शाह जो कि मिस्टर जिंदाल के किरदार में इस फिल्म में नजर आए थे और वो एक अंधे का रोल प्ले कर रहे थे इस फिल्म में। और क्या रोल किया था यार नसरुद्दीन शाह ने, उन्होंने तो भाई दिल जीत लिया था इस फिल्म में, मतलब भारी साबित हुए थे सारे स्टार्स के ऊपर में। उसके बाद में इस फिल्म में परेश रावल जो थे वो काशीनाथ साहू के किरदार में नजर आए थे, जो कि भैया एक ऐसे इंस्पेक्टर थे जिनको मतलब अगर कोई भी रूप दिया जाता था, कोई भी रंग दिया जाता था, वो पकड़े जाते थे, मतलब कि वो कैरी ऑन नहीं कर पाते थे, गुंडों के सामने उनकी पोल बहुत जल्दी खुल जाती थी। उसके बाद इस फिल्म में सदाशिव अमरापुरकर थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, स्वर्ग सिद्धार्थ चुके हैं ये, तो उन्होंने इस फिल्म में यानी कि सदाशिव अमरापुरकर ने कमिश्नर कामदेव कुलकर्णी का रोल इस फिल्म में निभाया था। इसके बाद इस फिल्म में राजा मुराद ने जिब्रान का किरदार निभाया था जो कि एक खूंखार मतलब अपराधी रहता है इस फिल्म में। उसके बाद गुलशन ग्रोवर थे इस फिल्म में जो कि टायसन के किरदार में नजर आए थे, और लास्ट में कुलभूषण खरबंदा जो कि जेलर के किरदार में थे यानी कि रवीना टंडन के पापा का किरदार उन्होंने इस फिल्म में निभाया था। तो भैया नो डाउट इस फिल्म का जो स्टार कास्ट था वो बहुत बड़ा था और बहुत ही मजे हुए कलाकार इस फिल्म में थे, यानी कि भैया राजीव राय ने अपनी फिल्म के लिए एक से बढ़कर एक किरदारों को चुना था और सारे किरदार भारी बॉस, मतलब अगर बताओ तो भैया अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी से बेहतरीन एक्टरों की एक लिस्ट थी इस फिल्म में, यानी कि सारे किरदारों ने इतना जबरदस्त काम किया था कि हर एक फ्रेम में हर एक किरदार भारी नजर आ रहा था। और उसके बाद में क्या डायलॉग लिखा था बॉस दिलीप शुक्ला ने, यानी कि दिलीप शुक्ला ने तो यार दिल जीत लिया था डायलॉग्स लिखकर। इस फिल्म को अगर आप देखोगे तो थ्रू आउट मतलब फिल्म आज भी इतनी जबरदस्त लगती है कि आप इसको देखने के बाद बोलोगे भैया कि आज भी अगर यह फिल्म रिलीज होती ना तो सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म साबित होती, यानी कि भैया ये फिल्म दोबारा बन ही नहीं पाई, मतलब कि एक अपराधी और एक पुलिस वाले की जंग जो बनी थी इस फिल्म में। अगर मैं इस फिल्म की कहानी बताऊं तो भैया इस फिल्म का सेंट्रिक कैरेक्टर पहले थे कौन, तो सुनील शेट्टी, मतलब पूरी फिल्म की कहानी जो थी उन्हीं को लीड कर रही थी, लेकिन हाफ टाइम के बाद में जो अक्षय कुमार ने ग्रिप पकड़ा था उसके बाद अक्षय कुमार ने उस रोल को ही खा गए जिसमें सुनील शेट्टी को विश्वास था कि वो इस फिल्म से बहुत बड़े स्टार बन जाएंगे, लेकिन हुआ क्या अपोजिट, यानी कि भैया अक्षय कुमार ने लोगों का दिल जीता अपने एक्टिंग से, और उसके बाद उनका और रवीना टंडन का वो गाना लोगों के दिमाग में इस कदर छाया कि भैया खिलाड़ी कुमार जो है, गारंटी कुमार जो है, वो स्टार बन गए इस फिल्म से, यानी कि तू चीज बरी है मस्त मस्त, यानी कि ये गाना इतना बड़ा हिट रहा कि भैया सुनील शेट्टी को लेकर कहा जा रहा था कि इस फिल्म में एक तरीके से अक्षय कुमार को दबाने की कोशिश की गई थी। कहा तो यहां तक जाता है कि सुनील शेट्टी को कुछ ज्यादा ही प्रधानता दे रहे थे इस फिल्म के डायरेक्टर, लेकिन हाफ टाइम के बाद में अक्षय कुमार का किरदार कुछ इस तरीके से उभरता है कि भैया लोगों के दिमाग से सुनील शेट्टी का नाम ही हट जाता है और यहां से अक्षय कुमार स्टार बन जाते हैं। बॉस वाकई में ये फिल्म दोबारा कभी नहीं बन पाई, मतलब कि ऐसी कहानी मैंने कभी देखी नहीं, और आज भी ऐसी फिल्मों का मैं बहुत बड़ा दीवाना हूं, ऐसी मसाला मूवीज का मैं बहुत बड़ा दीवाना हूं, और एक क्षति में मानता हूं कि राजीव राय ने फिल्में बनाना छोड़ दिया, यानी कि उनके डायरेक्शन में अब कोई फिल्म नहीं आ रही है, और वो एकमात्र ऐसे डायरेक्टर थे जो कि सुभाष घई की तरह एक शो क्रिएट करते थे, लेकिन भैया उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ और उसके बाद उन्हें इंडिया छोड़ना पड़ा वो तो सबको पता है। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि आपको मोहरा फिल्म कैसी लगी थी और इस फिल्म का कौन सा गाना आपको आज भी पसंद है, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। अगर आप मुझसे पूछेगा तो मुझे इस फिल्म के सारे गाने पसंद हैं, चाहे वो सुनील शेट्टी का वो गाना था ना कजरे की धार ना मोतियों की हार, या फिर ए काश कहीं होता जब दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता, मेरा क्या गाने थे बॉस, मतलब एक से बढ़कर एक गाने, उसके बाद में तू चीज वरी है मस्त मस्त, टिप टिप बरसा पानी, यार क्या गाने थे, और क्या बीजू शाह ने इस फिल्म में म्यूजिक दिया था, बॉस आउट ऑफ द बॉक्स। ये फिल्म वाकई में ऐसी फिल्म थी जिसको आज भी हम लोग याद कर सकते हैं, और इस फिल्म का जो म्यूजिक था, बैकग्राउंड म्यूजिक था, मतलब क्या स्कोर तैयार किया था यार, वाकई में बहुत ही जबरदस्त फिल्म। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारन जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।